अगर आपके तालाब के चारों किनारों में खरपतवार है और बीच में भी जलीय कुंभी या जलीय खरपतवार हों तो उनका निवारण करना अति आवश्यक है। सबसे अच्छा विधि होता है कि आप मजदूर लगाकर चारों किनारों के खरपतवार को निकालकर तालाब को साफ सुथरा करें। बीच में भी अगर कर्मी या जलकुंभी इत्यादि जलीय खरपतवार हों तो उनको आप मजदूर से निकालना ही सबसे अच्छा विधि माना जाता है। रासायनिक विधियां भी हैं जिसमें अगर आपके पास जलकुंभी है तो जलकुंभी की मात्रा को देखते हुए, उसका उम्र को देखते हुए आप 2,4-D रसायन का प्रयोग 2 किलो से लेकर 8 किलो प्रति हेक्टेयर के दर से आप कर सकते हैं। उसके छिड़काव से जलकुंभी समाप्त हो जाता है। तालाब को खाऊ या मांसाहारी या फिर अनचाही मछलियों से मुक्त कराने के लिए सही समय पर प्रयास करना चाहिए, नहीं तो ये अन्य मछलियों को नुकसान पहुंचाते हैं। पुराने तालाब में खाऊ मछलियां हैं, मांसाहारी मछलियां हैं, जंगली मछलियां हैं, तो अपना बीज जो आप देसी कार्प या विदेशी कार्प जो डालेंगे उसको डालने से पहले उसको हटाना निश्चित रूप से ज़रूरी हो जाता है। उसको हटाने के लिए आप महुआ खल्ली का प्रयोग 2,500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से कर सकते हैं। महुआ खल्ली में एक जहरीला तत्व सैपोनिन पाया जाता है जिसके कारण उसमें विष उत्पन्न होता है और वह मछलियों के लिए घातक सिद्ध होता है, और महुआ खल्ली, कच्चा महुआ खल्ली मारने से सारी मछलियां मर जाती हैं। जो मछलियां मर जाती हैं उसका मनुष्य के शरीर पर प्रभाव नहीं पड़ता है, तो आप उन मरी हुई मछलियों को खा सकते हैं। इसके अलावे आप ब्लीचिंग पाउडर का व्यवहार 350 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से अपने तालाब में करें, उससे भी सारी मछलियाँ मर जाती हैं और वो खाने के योग्य होती हैं। तीसरा एक और विधि है जिसमें आप यूरिया का व्यवहार करें 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, उसके बाद 18 से 24 घंटे बाद आप उसमें 175 किलोग्राम ब्लीचिंग पाउडर उस तालाब में डाल दें। इससे जितनी भी मछलियां होंगी, अवांछित मछलियां, पुठिया या मांसाहारी मछलियां, सिंगी, मांगुर या जंगली मछलियां, बोबारी वगैरह, वो सारी की सारी मर जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, और उसको आप बाज़ार में बेच सकते हैं, खुद खा भी सकते हैं। तो इन तीनों तरीकों से आप खाऊ मछलियों का प्रबंधन कर सकते हैं। अब तक आपने मछली उत्पादन से संबंधित बातों को समझा। तालाब की परिस्थिति मछलियों के अनुकूल रहे एवं तालाब में मछलियों के प्राकृतिक भोजन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो, इसके लिए कुछ उर्वरकों का प्रयोग करना जरूरी है। समय समय पर तालाब में खाद उर्वरक डालने से भी मिट्टी एवं तालाब की उर्वरता में वृद्धि होती है। तालाब में प्राकृतिक आहार बढ़ाने के लिए अलग अलग खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा खाद उर्वरक के मिश्रण का भी उपयोग कर सकते हैं। नर्सरी तालाब में खाद एवं उर्वरक के मिश्रण के लिए गोबर 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, सरसों की खल्ली 750 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा सिंगल सुपर फॉस्फेट 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा का प्रयोग करना चाहिए।